150 एकड़ से ज्यादा जो कृषि भूमि है उसे नदी ने लील लिया है और किसान का जो है 2 करोड़ रुपया यहाँ चला जा रहा है। हर 10 साल में कम से कम 100 एकड़ से 150 एकड़ जमीन चला गया है। पूरा यहाँ की जो कृषि भूमि है ये नदी वाले एरिया में तब्दील हो चुकी है। समस्त ग्रामीण वासी पूरा परेशान है और अपना आजीविका चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए बहुत परेशान है। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। टीवी के लिए मैं रवि तिवारी, तमाम जो खबरें हैं चाहे वो जनहित के विषय में हो या जनहित के मुद्दे हैं वोकल टीवी लगातार उठाता आया है। आपने वोकल टीवी के कई इंटरव्यू देखे होंगे, हम लगातार जनहित के मुद्दों को भी हम उठाते हैं। आज ये कहते हैं हम जनहित के मुद्दे को उठाने आए हैं जिसको लेकर ग्रामीण बहुत ज़्यादा परेशान है। जी हाँ, यहाँ पर मेरे कैमरामैन से मैं कहूँगा कि ये एरिया को पूरा दिखाएंगे। ये एरिया को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर हम अभी खड़े हैं ये पहले खेत हुआ करता था। करीब करीब 10 से 12 वर्षों में नदी का कटाव क्षेत्र, नदी के पानी से कटाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये नदी में तब्दील हो चुका है। इस समय हम करचिया गांव में खड़े हैं और करचिया गांव में 2008 से लेकर यदि अब तक बात करें करीब करीब 15 वर्षों में लगभग 150 एकड़ से ज्यादा जो कृषि भूमि है उसे नदी ने लील लिया है। स्थिति यह हो गई है कि दिन ब दिन जो कटाव क्षेत्र है वो तेजी से बढ़ता आ रहा है। मेरे कैमरामैन आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा जूम करके उस एरिया को दिखाएंगे कि किस तरह से आप मैं पूरा यदि जूम करके आपको समझाएंगे तब आप समझ सकेंगे कि जो नदी का कटाव क्षेत्र है वो काफी तेजी से बढ़ने लगा है। और ग्रामीणों का ये कहना है हमारे साथ, हालांकि कुछ ग्रामीण उनसे बातचीत करेंगे, ग्रामीणों का ये कहना है कि जो नदी की जो मुख्य धारा है पहले उस पार हुआ करता था लेकिन स्थिति अब दिन ब दिन ऐसे हो गई है कि कृषि भूमि बकायदा यहां पर नदी लील चुकी है और जो कृषि भूमि और नदी में तब्दील हो चुकी है। हमारे साथ गांव के उप सरपंच चेतन जी मौजूद है। चेतन जी क्या स्थिति है थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे। सन 2008-09 से हमारे गांव के नदी के किनारे जितने किसान हैं सभी किसान का लगभग लगभग 2-3 एकड़ जमीन पूरा कट गया है और उन लोग अभी कृषि के लिए इतना परेशानी है क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है। अभी उन लोग को छत्तीसगढ़ से हमारे गांव करचिया से छोड़ के बाहर कमाने खाने के लिए जाना पड़ता है क्योंकि उनके पास कृषि जमीन नहीं है, इसीलिए उन लोग को इधर उधर मजदूरी करने के लिए भटकना पड़ता है। और शासन प्रशासन अभी किसी प्रकार का भी इसमें कदम नहीं उठा रहा है और जिस जमीन को नदी ले गया उसके लिए कोई क्षतिपूर्ति या किसी प्रकार का माने शासन के द्वारा नहीं उठाया जा रहा है कदम। इसमें समस्त ग्रामीण वासी पूरा परेशान है और अपना आजीविका चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए बहुत परेशान है। तो कुल मिला के उप सरपंच से उन्होंने कहा कि जब नदी जमीन को लील रही है तो कुल मिला के ग्रामीण परेशान है। स्थिति यह हो गई है, शासन प्रशासन से बार बार क्षतिपूर्ति की मांग की गई लेकिन जिम्मेदारों ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ जागेश्वर टांडिल जी मौजूद है, शहीद भोज सिंह के पिताजी है ये। जागेश्वर जी, कितने सालों से ये स्थिति है, कितने सालों से ये कटाव लगातार आपके यहाँ जारी है? देखिए महोदय जी, यही कम से कम 10-12 साल हो गया, अभी तक भी किसान मजदूर कर रहे हैं और किसान का जो है 2 करोड़ रुपया यहाँ चला जा रहा है, उसको किसान को लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार प्रशासन शासन जो है वो किसान को लाभ दिया जाए और हमारे गांव को बहुत दूर दूर जा रहे हैं कमा खाने के लिए हमारे जो पब्लिक, उसलिए हम शासन को बोल रहे हैं कि कोई क्षतिपूर्ति दिया जाए और किसान का जो 4-5 करोड़ रुपया हर साल होता था अभी नहीं हो पा रहा है, किसान भूख प्यास में मर रहे हैं। हमारे साथ एक युवा पंकज बीसी मौजूद हैं। अच्छा आप ये बताइए, युवा वर्ग हैं, कटाव लगातार जारी है, कटाव हर साल लगभग कितना एकड़ हर साल नदी लील लेता है, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। देखिए यहाँ हर साल बाढ़ आना तो ये आम बात है, तो गांव नदी के समीप होने के कारण कभी कभी तो गांव में ही घुस जाता है पानी। तो जमीन की बात तो छोड़िए, जमीन धीरे धीरे लगभग 5-10 एकड़ हर साल ये ले जाता है और लगभग ये 150 एकड़ जमीन को खा चुका है नदी। तो हमारे गांव में भूतपूर्व सरपंच माधव पारी द्वारा भी यहां जनसभा रखा गया था और भूतपूर्व विधायक गोवर्धन माझी को ये ज्ञापन भी सौंपा गया था कि यहां तटबंध कराया जाए, लेकिन आज तक शासन के द्वारा कोई भी तटबंध नहीं किया गया या फिर जो जमीन चली गई है उनको मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। तो मैं अनुरोध करता हूँ सरकार प्रशासन से भी, इन जितने भी जमीन गई है उनकी पूरा समीक्षा किया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए, साथ ही
तटबंध जो बनाया जाए ताकि गांव जो नदी का पानी है वो गांव में ना घुसे और जमीन सुरक्षित बचत रहे। मैं यही तो ये युवा थे, इनका कहना है कि जो भूत जो तत्कालीन सरपंच थे उन्होंने भी मांग की थी लेकिन मांग को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। हमारे साथ एक और गांव के वरिष्ठ मौजूद हैं। आप बताइए जो कटाव जो लगातार कटाव हो रहा है उससे आप लोग कितना ज़्यादा परेशान हैं? ये 10-12 साल हो गया ये माने बाढ़ आते जा रहा है और हर साल 10-15 एकड़ जमीन को खा जाता है, हर साल 10-15 एकड़ जमीन को खा जाता है और 10-12 साल से कटाव होते ही रहता है। तो अभी राज्य शासन या केंद्र शासन भी हमको माने सहायता करे कि तटबंध यहाँ किया जाए और तटबंध होना अनिवार्य है। अगर तटबंध नहीं होगा तो करचिया से उठ करके कहाँ चले जाने का उम्मीद भी रख सकता है। तो आप लोग बहुत परेशान हैं? बहुत परेशान हैं। तो एक बार ये आप ये बता दीजिए कि तकलीफ कितनी होती है आप लोगों के परिवार को ये कटाव के चलते? बहुत तकलीफ होती है। ये जो जितना भी दिख रहा है ना, ये अभी ये नदी है ना, ये सब धान बोए थे बहुत हमारे धान मूंगफली सब उस पार का नदी बस छोटा था अभी 200 एकड़ 150 एकड़ से पार चला गया है। किसानों को बहुत तकलीफ हो रही है, लोग जा रहे हैं बार बार कमाने खाने मजदूर करने के लिए और हमारे गांव के किसान बहुत परेशान हैं। अच्छा एक अंतिम सवाल चेतन जी से फिर पूछ लेते हैं। चेतन जी कटाव को लेकर आप लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जैसे कि आपके गांव के लोगों ने बताया कि हर साल 5 से 10 एकड़ में कटाव होता है। यदि जिम्मेदारी यदि ध्यान नहीं देते हैं तो ये कितने सालों में आपके गाँव को परेशानी हो जाएगी? ये तो 8-10 साल में कम से कम 100 एकड़ से 150 एकड़ जमीन चला गया है। अभी यदि इसको तटबंध नहीं करते हैं तो जो बचा हुआ जमीन भी 1-2 साल के अंतर्गत पूरा नदी बन जाएगा और किसानों को जो है ना बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जमीन नहीं होने के कारण किसान को मजदूरी करने के लिए अन्य राज्य को जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, परेशानी हो जाएंगे। इसीलिए मैं बचा हुआ जमीन को सुरक्षित रखने के लिए शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि यहां पर तटबंध का सुविधा किया जाए ताकि जो बची जमीन बचत रह जाएगा तो आदमी क्या है खेती किसानी करके अपना आजीविका चला सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये उप सरपंच का कहना है कि शासन प्रशासन से हम निवेदन करते हैं, हमारे निवेदन को स्वीकार कीजिए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भतरा वैली से लेकर जो खुडगांव तक का एरिया होता है करीब करीब 12 से 13 गांव आते हैं और वहाँ पर लगभग लगभग 1000 से ज़्यादा एकड़ की जो जमीन है उसे नदी ने ले लिया है। कटाव इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि ग्रामीणों ने जो दावा किया है वो दावा चौंकाने वाला है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब करीब हर साल 5 से 10 एकड़ जो जमीन है नदी में बकायदा लील दी है। कुल मिलाकर भतरा वैली से यदि खुडगांव की बातचीत करें तो 12 से 13 गांव के किसान यहां से प्रभावित है। जो किसानों की परेशानी है बहुत ज़्यादा कुल मिलाकर बढ़ जा रही है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो जमीन है आज भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, यहाँ पर अभी भी कृषि भूमि बकायदा राजस्व रिकॉर्ड में बताया जा रहा है। ग्रामीण बकायदा इसका जो लगान होता है लगान भी पटाते हैं लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो नदी वाले एरिया में मेरे कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं कि नदी वाले एरिया में पूरा यहाँ की जो कृषि भूमि है ये नदी वाले एरिया में तब्दील हो चुकी है। मैं मेरे कैमरा मैन से कहूंगा कि वहां पर जो गाय को जो वहां पर चराया जा रहा है वो थोड़ा सा जूम करके उसको दिखाएंगे मेरे कैमरा मैन ताकि हमारे दर्शक पूरी तरह से समझ सके कि कटाव के बाद जो बीच में जो जमीन बच गई है, जो थोड़ा बहुत जो बीच में जमीन बच गया है उस जमीन पे ग्रामीण कभी कभी मूंगफली की फसल ले लेते हैं या तो फिर जो चरवाहा होते हैं वो गाय को वहां पर चराने के लिए ले जाते हैं। कुल मिलाकर कहे तो ग्रामीणों की परेशानी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं कैमरा मैन गंदर बेसरा से कहूंगा कि थोड़ा सा आगे आएंगे और थोड़ा सा आगे आने के बाद जो यहाँ पे जो नदी का जो दो हिस्से में जो पानी का जो धारा बह रहा है उस धारा को थोड़ा सा मेरे कैमरा मैन से कहूंगा कि उस धारा को नदी का जो धारा बह रहा है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। उसको दिखाने की कोशिश करने के बाद बिल्कुल हमारे से दर्शक समझ जाएंगे कि तकलीफ और परेशानी ग्रामीणों को कितनी ज्यादा हो रही है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ये पुरानी मांग है। पुरानी मांग को लेकर कई बार जिम्मेदारों ने बात की, करचिया के लोगों का भी कहना था कि हमने जो हमारे तत्कालीन सरपंच थे उनके माध्यम से बकायदा जो तत्कालीन विधायक थे उनके पास भी इस मांग को रखी गई लेकिन उस मांग को अनसुना कर दिया गया। कुल मिलाकर यह कहें कि ग्रामीणों की परेशानी को जो जिम्मेदारों ने जो समझना था जिम्मेदार नहीं समझ सके, इसी के चलते ये तकलीफ और परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ग्रामीण आज बहुत ज्यादा परेशान है। लगातार उनकी जमीन को नदी ले रही है, उनकी परेशानी बढ़ गई है लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण है यहाँ के जो किसान है उनकी परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं है। 12 गांव के 1000 एकड़ से
ज्यादा जमीन नदी ले चुकी है, लेकिन 12 गांव के किसानों के दुख दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। कुल मिलाकर ये कहें कि सिर्फ ये वोट की राजनीति है। वोट के समय जो जनप्रतिनिधि है वोट मांगने आते हैं, कहते हैं कि हम आपके सुख दुख के साथी हैं, उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है कुछ जनप्रतिनिधि को बाकायदा ग्रामीणों की कोई समस्या कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आती। ऐसे में शासन प्रशासन को भी इस बड़ी गंभीर समस्या को ध्यान में देते हुए तत्कालिक तौर पर जो कर्चा के जो ग्रामीण मांग कर रहे हैं उन्हें तटबंध का निर्माण करना चाहिए, ताकि जो उन्हें कटाव का क्षेत्र कम हो सके। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।